जी हाँ भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चौपादी पर। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं खेल रहा हूँ GTA 5। और GTA 5 के अंदर आज मेरा एक बहुत ही खतरनाक वाला मिशन है, और उस मिशन को शुरू करने से पहले मेरे को 1,00,000 लाइक्स चाहिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि ये डेंजरस मिशन किसी ने भी नहीं किया होगा। उस मिशन को करने से पहले मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो ये है मेरा घर, पहाड़ी के अंदर 50 मिलियन का घर है, और घर के बाहर जाते ही गाइज ये रही मेरी लैम्बोर्गिनियां। तो ये गाड़ियां देखो, कितनी गाड़ियां पार्किंग की, मेरे को जगह ही नहीं मिलती, तो मैंने एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी खड़ी कर दी है। क्या करें अब, इतनी सारी गाड़ियां मैं कहां पार्क करूं। तो आपको ऑलरेडी अंदाजा लग चुका है कि GTA 5 के अंदर मेरे पास बहुत पैसा, अभी मेरे को कमाना ईमानदारी वाला पैसा, क्योंकि मैंने GTA 5 में आज तक कभी ईमानदारी से एक पैनी भी नहीं कमाई। लेकिन आज मेरा टारगेट है कि मैं आज ईमानदारी से पूरे 50 मिलियन मेरे को कमाने हैं। और काम पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत अपने स्विमिंग पूल के अंदर नहा हुए। ओके, स्विमिंग पूल के अंदर जाने का ये बहुत ही एक लग्जरी तरीका होता है, कभी ट्राई मत करिएगा। तो ये प्रो बंदे ही कर सकते हैं ये स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे जाना। ओके, अभी जॉब कहाँ पे करूँ, तो जॉब करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं टैक्सी चला सकता हूँ, जहाज चला सकता हूँ, और एरोप्लेन इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, क्यों ना सब के अंदर काम किया जाए। और ले लो, पुलिस भी आ गई। वारे, अभी हॉर्न बजाना तूने मेरे ऊपर, अभी हॉर्न बजा। ओए ओए ओ वो वो, पूरी गाड़ी मेरी, अरे मेरी बुगाटी फट जाएगी, मैं खुद ही चल। वो वो वो, ये गाड़ी भी गई। ओके, इससे पहले कि ये और सास वाली गाड़ी फटे, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और 3-4 पुलिस ही मेरे पीछे आ रही है। हट जाओ गाइस, हट जाओ, थोड़ी बहुत इमरजेंसी हो चुकी है यहाँ पर। अभी तो गाइस ऑनेस्टली जो है मेरे को और पैसा कमाना पड़ेगा, एक पुलिस को पैसे देने, रिश्वत खिलानी है, क्योंकि ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, मेरी सारी गाड़ियां जो है ऑनेस्टली सारी गाड़ियां फट चुकी है। हट जाओ सामने से, ये क्या कर रहा है, गाड़ी चलानी आती भी नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता कि पुलिस वालों को लाइसेंस कौन दे रहा है यहाँ पर GTA 5 के पीछे। ठोक ले अंदर, ठोक ले, पहले ही मेरी 50 गाड़ियां फट चुकी है, तू भी ठोक ले। आजा पकड़ ले यार, ये पकड़ ले मेरे को, आजा पकड़ ले। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, पकड़ लो अब। अजीब नौटंकी है, पकड़ना भी नहीं आता यार इनको। यहीं पे होना चाहिए लोगिया घर, और मैंने गाय सुना है कि उसने बहुत पैसा कमा के रखा है। अबे ओए, क्या हो रहा है भाई, ये तेरे पास इतना सारा माल कैसे आ गया है? ये सब भाई, ओ भाई, इसके पास बोरियां भर भर के, अरे पूरे बैरल इसने भर के रखे हैं पैसों के। मैं नहीं लगा रहा, ये पैसा मेरे को भी दे। देखो कैसे लंबा पड़ा हुआ पैसों के ऊपर, जैसे बेड के ऊपर चादर। बोल पैसा कैसे आया, बोल जल्दी बोल। पहले मैंने एक मोटा बैंक लूटा, उसके बाद मैंने छोटा वाला, और उसके बाद एक मोटा वाला। नहीं लगी, आज मैंने ठानक रखी है, मुझे आज 50 मिलियन कमाने हैं, वो भी ईमानदारी से। और यहाँ पे शहर के अंदर एक नई जॉब निकली हुई है, तो मैं बिल्कुल उसी शॉप के ऊपर जाके जॉब्स अपने लिए अप्लाई करता हूँ। लेट्स गो, मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को हेलीकॉप्टर की जॉब मिल सकती है, और आपको पता है ब्रो, हेलीकॉप्टर चलाने में तो हम एकदम पीरो हैं ब्रो। तो गाड़ी को बिल्कुल यहाँ पे साइड में खड़ा करना है हमने, तो बिल्कुल साइड में हमने गाड़ी खड़ी कर दी। और ये रही वो जॉब जहाँ, और बंदूक को छुपा लो, उसने अगर देख ले गए बंदूक लेकर आए तो ले के देने पड़ जाएंगे। आई एम सॉरी, दिस जॉब रिक्वायर्स यू टू हैव अ कॉलेज डिग्री। क्या यार, तो गाइज मुझे भी जाके डिग्री करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को ये जॉब मिलेगी। आजकल गाइज मैं गाड़ी फुटपाथ पर चलाता हूँ, क्योंकि रोड के ऊपर बड़े सारे गाड़ियां घूम रही होती, रोड के ऊपर गाइज बहुत सारी गाड़ियां घूम रही होती। क्या है, क्या गाड़ी के अंदर ही बैठना, गाड़ी के आगे मरने की इसको बहुत आदत है। और ये रही लॉस सैंटोस यूनिवर्सिटी, तो एक काम कर दो गाड़ी, और रुक गाड़ी रुक। तो यहाँ पर दो सेंटर है, एक है पढ़ाई वाला सेंटर, क्या पीपी लगा कर रखी है तेरे को, क्या है। तो यहाँ पर दो सेंटर हैं, एक ये वाला सेंटर और एक ये वाला सेंटर। आई थिंक यहाँ पर पढ़ाई करना सिखाया जाता है, और यहाँ पर आपको एक्चुअली ट्यूशन देते हैं कि आप चीजें कैसे चलाओ, जैसे टैक्सी, गाड़ी, प्लेन वगैरह वगैरह। तो मेरे को ये करना है, प्रेस ई टू परचेज ए ड्राइवर्स लाइसेंस। ओ, तो मैं पैसे देकर लाइसेंस ले भी सकता, ये क्या लिखा, ड्राइव अराउंड फॉर 2 hours इन गेम, Don't crash or else you won't pass. अरे मेरे को पैसे लेके लाइसेंस दो ना यार। ओके, तो गाइस मेरा अभी टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, और मेरे को बिल्कुल भी गाड़ी यहाँ पर क्रैश नहीं करनी। ओके, तेरी, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ए, मेरे को लगता है मेरी गाड़ी के अंदर कोई, ओए हेलो सर जी, क्या देख रहा है उधर उधर देख रहा है चोर कहीं के। अरे मैं गाड़ी से निकल गया यार, भाग गया सर जी। चाचू पास हो गया फेल हो गया मेरे को बताना, ए, मुझे पूछना है, मुझे पता लगाना है तूने टोपी कैसे पहनी है, टोपी के अंदर से तेरे बाल बाहर आ रहे हैं। सर जी देखिए, लास्ट वाले बंदे ने मेरे को पास नहीं किया था, तो उसका खून अभी तक मेरी शर्ट के ऊपर लगा है, अभी देख लेना मेरे को, अभी आपने पास करना है। ओके, मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूँ। ओके,
मुझे अभी ईद बना है और जैसी टैक्सी की जॉब आई ना तो मुझे वो जॉब भी लेनी है। ओके, तो मुझे गलियों में घूमना है। कहाँ पर? मैडम जी कहाँ जा रही हो? मैडम कहाँ जा रही है? गाड़ी के अंदर बैठ ले। टैक्सी चाचा, तेरे को टैक्सी चाहिए? चाचू टैक्सी ले ले। गाड़ी के अंदर सर नहीं मारना भाई, तेरे को टैक्सी लेनी है तो मेरे को बताना। गाइस मेरे को लगता है कि अगर सारे सब्सक्राइब के बटन दबाओगे तो मेरे को फिर से फेल कर दिया मेरे को यार। सस्ता प्रमोशन भी करने नहीं दिया मेरे को। सर जी आपको टैक्सी चाहिए? सर जी मैडम टैक्सी 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 फ्री है। ओ मामा पानी देख के डर गई यार ये। हेलो सर जी, अगर आपको टैक्सी चाहिए तो आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हो। मुझे जॉब दे के रखी है, बिल्कुल मैप के ऊपर है। तो मुझे फटाफट गाइस मैं एक बार फिर से बूस्ट दबाता हूँ और दो सेकंड के अंदर। और कहाँ जा रहा है? तो मैंने बूस्ट दबाया, बंदे डर गया। और ये जॉब मेरे को डिसमिस नहीं करनी यार, मैं कुछ ज्यादा ही टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा अंकल जी, आपकी टैक्सी आ चुकी है। आइए आइए टैक्सी के अंदर बैठिए। टैक्सी के अंदर बैठिए चौधरी। अच्छा ये नहीं है, इसने टैक्सी में गई थी। हाँ 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 इधर। हेलो हेलो बैठी बैठी बैठी। और तू कहाँ जा रहा है? मैं फेल कैसे होगा यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे को लाइसेंस नहीं देगा तू? हैं, तू मेरे को लाइसेंस नहीं देगा? जानता भाई मैं कौन हूँ? जानता मैं कौन हूँ? चल लाइसेंस निकाल, अभी लाइसेंस निकाल। तेरी भैंस की आंख, पता नहीं कब से मेरे को ड्राइविंग करवा रहा है। कभी इस गली में लेके जा रहा है, कभी उस गली में लेके जा रहा है। जब लाइसेंस देने की बात आती है तो कुछ नहीं करता ये। तो ओके गाइस, फाइनली जी तोड़ मेहनत करने के बाद, ध्यान से गाड़ी चलाने के बाद सड़क के ऊपर, अभी मैं फाइनली कर सकता हूँ जॉब। और सबसे पहले मैं जॉब करूंगा फायर ब्रिगेड की। तो ये रहा फायर डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। अरे यस, मेरा खुद का फायर ट्रक, लेट्स गो बॉय लेट्स गो। अभी सिर्फ मेरे को देखना कि शहर के अंदर आग कहाँ लगी है, और दो सेकंड के अंदर हम सारी आग वहां पर बुझा देंगे। ये पेड़ यहाँ पर किसने लगाया यार? आग, मेरे को आग चाहिए भाई। मेरे को कितनी मुश्किल से यहाँ पे फायर इंजन की जॉब मिली है भाई। मेरे को पैसे कमाने हैं यहाँ पर, और एक जगह पर भी आग नहीं लग रही। ऐसा कैसे हो सकता है यार? शहर में कहीं ना कहीं तो आग लगी होनी चाहिए यार, इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई तो क्राइम यहाँ पे कर रहा होगा। अबे हट जा, सामने इमरजेंसी है, देख रहा नहीं ऊपर भोंपू बजा हुआ है? मेरे को अभी सिर्फ यहाँ पर आग ढूंढनी है, बस आंखें चुकन्नी ऐसे खोल कर रखो और मुझे आग। हट जा तेरी, मैं हट जा। गाड़ी सड़क के बीच में खड़ा हो गया चौधरी साहब, सड़क के बीच में खड़ा हो चुका है कि तू भाग के कहाँ जा रहा है? एल पट से पूरी आग लग गई। ओरे भाई शहर के अंदर आग लग चुकी है। बुझाओ बुझाओ आग, बुझाओ बुझाओ। यस, अरे भाई साहब, तो देख लीजिए गाइस, आग हमने लगाई नहीं है, हमने नहीं लगाई आग, लेकिन आग बुझाने का पूरा हाथ। और यहाँ पर भी आग लगी। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आग हम बुझाने वाले हैं, सबकी आग बुझा देंगे, सबके अंदर जो आग लगी है सारी आग बुझा देंगे। लीजिए चपाती, सेव द डे। अब अच्छा अभी भी आग लगी हुई है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तू ए ये मेरी आग है, सामने मत आइयो। मैं देख, सामने मत आइयो, ये आग मैंने बुझानी है, मैं तुम्हें फोड़ दूंगा यहाँ से। कितनी स्पीड में आ रहे हो, निकलो यहाँ से, ये आग मैंने बुझानी है। पता 50 रुपए लेता हूँ आग बुझाने के। मैं बात करते हो ए, होल्ड ऑन, मेरे को फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मैं हेडफोन के ऊपर फोन रख के बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी, क्या मेरे को जॉब से निकाल दिया? तुम्हारी जॉब की भैंस की आंख। मुझे एयरपोर्ट के अंदर जॉब मिल सकती है, मुझे वो टुच्ची फायर बुझाने वाली जॉब चाहिए भी नहीं, जब मैं जहाज चला सकता हूँ। आई एम सॉरी, जॉब रिक्वायर्स यू टू हैव अ कॉलेज डिग्री। क्या है तेरे को? अच्छा तू जॉब अप्लाई, क्या पागल है ये ऐसे मुड़ के पागल है क्या? तो जहाज की जॉब अप्लाई करने के लिए मेरे को यहाँ पर डिग्री पढ़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, पैसे देके हम सारा 8,000 कॉइंस। You can't afford this shit. तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, options and add money, क्या बात है, जितने मर्जी पैसे ले लो यार। ओहो पैसे नहीं है। आते ही मैंने 50 मिलियन अपने अकाउंट में ऐड कर लिया यार। This is your pilot, Mr. चपाती हिंदुस्तानी गेमर। तस्मे के फीते आप कस के बांध लीजिए, और अपने सामान का आपने खुद ध्यान रखना है। फ्लाइट के अंदर अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह रह गई हो तो उठाने की कोशिश मत करना, हम वो फ़ोन चोर बाजार में बेच के उसका सारा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेंगे। अभी ये मैं जहाज लेके जाऊंगा लॉस सैंटोस के बिल्कुल ऊपर से, ताकि नीचे वाले बंदे देख के मेरे से जलें और सोचें कि मैंने कितना नाम कमाया है। मैं तो बैठे बैठे पायलट बन चुका हूँ, और आज मैं उनको दिखाता हूँ कि जहाज के पहिए निकाले बिना लैंडिंग कैसे होती है। देखना अभी, टैलेंट होता टैलेंट। और यहाँ पर मेरे को आराम से लैंडिंग करनी है, आराम से लैंडिंग। ये कोई बात नहीं गाइस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ये आराम से लैंडिंग इसी को ही कहते हैं, आराम से लैंडिंग। अभी देखना मैं कैसे, देखा कैसे बाहर आ चुका मैं, प्रो पायलट। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पागल ने जॉब से निकाल दिया। अब उनको लगता है कि मुझको जहाज चलाना नहीं आता। अब मैं कैसे समझाऊं उनको
कि जहाज चलाने में मैं नंबर वन हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हेलीकॉप्टर की जॉब हमारे लिए बाकी है। तो मेरी एक और जॉब अभी गाइस, ए टाई वाले भाई ये देख मेरा हेलीकॉप्टर, देख चेकआउट कर, 30 मिलियन का हेलीकॉप्टर है, ये देख ले। तो इस आंटी जी को मुझे उतारना है बिल्कुल मेज बैंक के ऊपर। ओके ओके आराम से आंटी जी, आप टेंशन मत कीजिएगा, बिल्कुल कंट्रोल मेरे हाथ में है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी आपने। मेज बैंक के ऊपर उतारना, टेंशन ना करो, मैं आपको मेज बैंक के ऊपर ही उतारता हूँ, बिल्कुल। शिट नो, वो वो, अरे मैंने चलते जहाज से छलांग मार दी, शिट यार। हाँ हाँ, अभी हम जाके जो है आराम से पैसेंजर्स उठाएंगे। तू तो कैसे कैसे गंदे इशारे कर रहा है मेरे ऊपर है, मैं कैसे गंदे इशारे कर रहा हूँ तेरे को पता चला दे उसके ऊपर गाड़ी चला दे, तेरे को पता है मेरे हाथ में बंदूक है। तेरे आप बोल कैसे गंदे इशारे कर रहे हैं मेरे सामने गाड़ी के ऊपर बैठ के। थैंक यू फॉर चूजिंग चपाती टैक्सी। अभी तेरे को पता नहीं है कि मेरी गाड़ी के अंदर एकदम रॉकेट लगा है, मैं तेरे को देख कैसे 2 मिनट के अंदर पहुंचाता हूँ। तो बूस्ट हमारा रेडी है गाइस, 1 एंड 2 एंड 3। अरे भाई हाँ, तू टेंशन मत कर, ये उड़ के हम 100 मील के पास आ चुके हैं। नो शिट, हाँ तू टेंशन मत कर, तेरे को मैं तुझे जहां पर जाना मैं तेरे को वहीं पे पहुंचा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत कर, घबराइए मत, घबराने वाली बात नहीं है यार, ये नॉर्मल गाड़ी है, नॉर्मल टैक्सी लॉस एंटोस के अंदर ऐसी नॉर्मल टैक्सी लॉस एंटोस के अंदर ऐसी होती है। मेरे को जहाज की आवाज आ रही है, जहाज कहां से जा रहा है यार। तो टेंशन मत करिए, मैं तेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगा, ये सारा सर्विस के अंदर ही इंक्लूड है। हाँ एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब से बिल्कुल, चुप कर, गुस्सा मत कर मेरे ऊपर, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल भी तेरे से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूंगा, ये सारा पार्ट ऑफ द प्लान है, ये सारी चपाती सर्विस है, ये तुम नहीं समझोगे। तेरे को डेस्टिनेशन पर जाना है, मैं तेरे को उड़ के पहुंचाता ना, देख गाड़ी अभी तक एक बार भी नहीं ढुकी, एक वो तेरी शिट वो और इसी के साथ ही गाइस मेरा पैसेंजर हवा में ही भाग गया उसने हवा में ही गाड़ी छोड़ दी यार। तो आई थिंक कि मेरी टैक्सी अभी चलने के लायक नहीं है, और मुझे लगता है कि गाइस GTA 5 के अंदर हम ईमानदारी से कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारी क्राइम की दुनिया ही ठीक है। तो चलिए गाइस, छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।